जी हाँ दोस्तों, 2011 वर्ल्ड कप का मुकाबला आखिर कौन भूल सकता है। इसी मुकाबले को याद करते हुए श्रीलंका क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज ने 2011 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा बयान दिया है। एंजेलो मैथ्यूज ने कहा है कि अगर श्रीलंका की टीम 2011 के वर्ल्ड कप में 320 रन तक का स्कोर खड़ा कर देती तो भारतीय टीम के खेमे में काफी मुश्किलें पैदा हो जाती इस मैच को जीतने के लिए। मैथ्यूज के मुताबिक वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में श्रीलंका की टीम 20 से 30 रन कम बना पाई थी, जिसकी वजह साफ थी और नतीजा मेजबान के पक्ष में गिरा, यानी कि भारतीय टीम के पक्ष में गिरा था। श्रीलंका ने 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 274 रन बनाए थे। महिला जयवर्धन ने 103 रनों की शानदार पारी खेली थी। इंडिया की तरफ से गौतम गंभीर और एमएस धोनी का अच्छा प्रदर्शन था, जहां गौतम गंभीर ने 97 रन और एमएस धोनी ने 91 रन और मैच ऑफ विनिंग पारी खेली थी। बदौलत की वजह से यह हासिल लक्ष्य आराम से हासिल कर लिया गया था। एंजेलो मैथ्यूज ने यूट्यूब पर क्रिकेट अनप्लग्ड शो में कहा है कि वो मेरा 50 ओवरों का पहला वर्ल्ड कप था, उससे पहले मैंने 2009 और 2010 के वर्ल्ड कप T20 में खेला था। 2011 का वर्ल्ड कप हमारे लिए काफी खास था क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों में खेल रहे थे। फाइनल तक के सफर के दौरान हमने सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेली और फाइनल में भी अच्छा खेल दिखाया। दुर्भाग्य से चोट लगने की वजह से फाइनल मुकाबला मैं नहीं खेल पाया। एंजेलो मैथ्यूज ने 2011 का वर्ल्ड कप खेल नहीं पाया था क्योंकि उनकी चोट लग गई थी। आपको बता दें कि एंजेलो मैथ्यूज ने 2011 वर्ल्ड कप नहीं हिस्सा थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने टीम की जीत अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन चोट के कारण वो फाइनल मैच में नहीं खेल पाए थे। मैथ्यूज ने अपनी चोट को लेकर बड़ा बयान दिया था, जहां पे कहा था, मैं चोट की वजह से 2 हफ्तों तक चल भी नहीं सका था क्योंकि मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी, साफ इनकार किया था कि तुम्हें चलना नहीं और बेड रेस्ट की काफ़ी जरूरत है। हालांकि इसके बावजूद मुझे टीम के साथ ले जाया गया, मुझे फाइनल मुकाबले में खेलने को नहीं मिला। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज ने फाइनल मुकाबले में कहा, अगर 300 से ज़्यादा रन बनाते तो शायद हमारे हाथ में भी वर्ल्ड कप होता। इनका मानना है कि 320 रन बना लेती तो भारत जैसी लाइनअप को भी कड़ी चुनौती पेश कर सकते थे। भारतीय विकेट्स रोड्स की तरफ ध्यान दे तो एकदम फ्लैट होती है, जब कोई बल्लेबाज वहां पर रन बनाने के लिए आता है तो फिर उसे रोक पाना काफी मुश्किल होता है। भारत के पास जबरदस्त बैटिंग लाइनअप थी, इस बात में कोई शंका नहीं है। यही खास वजह है कि इनके पास स्कोर और रन की कमी हो गई थी। 20-30 रन अगर अधिक होते तो शायद जीत जाती ये मुकाबला श्रीलंका की टीम, लेकिन अब ये सिर्फ शायद ही रह गया और हमारे पक्ष में यानी भारतीय टीम के हाथ में है अब वर्ल्ड कप 2011। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या होता है मैदान में, क्या होता है फिर से वर्ल्ड कप के मैचेस में। एंजेलो मैथ्यूज का ये बड़ा बयान, अगर एंजेलो मैथ्यूज खेल रहे हो तो इस मैच में क्या टीम जीत पाती श्रीलंका की या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।